हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्मार्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर में शिफ्ट किस तरह क्रिएट की जाती है, शिफ्ट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और एम्प्लॉयज को किस तरह शिफ्ट असाइन की जाती है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते दोस्तों। लॉगिन नेम और पासवर्ड जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल लेटर्स में बायोमेट्रिक से, तो लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे बायोमैक्स, इसको लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम दोस्तों जाएंगे मास्टर में यहाँ पे शिफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, शिफ्ट के ऑप्शन को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए एक डिफॉल्ट शिफ्ट बनी हुई है 10 to 7, इसे हम एडिट करेंगे। बिगिन टाइम एंड टाइम, यहाँ पर आपका जो शिफ्ट है उसका टाइम डाल लीजिए। जैसे यहाँ पर 10 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम दिया हुआ है 19 आवर्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको टाइम जो है 24 आवर्स के फॉर्मेट में ही डालना है। शिफ्ट का टाइम डाल लीजिए। यहाँ पे शिफ्ट शेड्यूल टाइप को रेगुलर ही रखिए। फ्लेक्सिबल है ये, मैं फ्लेक्सिबल आपको अगले चैप्टर में बताऊँगा क्या होता है, फिलहाल इसको रेगुलर रखिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, पंच बिगिन बिफोर, पंच एंड आफ्टर और ग्रेस टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए सेटिंग में होता क्या है। पंच बिगिन बिफोर, जैसे कि नाम से पता चलता है कि जो शिफ्ट है उसके पहले, पंच बिगिन बिफोर, उससे पहले कितना अलाउड है, कितना जल्दी आना अलाउड है एम्प्लॉयज को। जैसे यहाँ पे डाला हुआ है 120 मिनट्स, मतलब आपके हो गए 2 घंटे, मतलब 10 बजे से पहले 2 घंटे एम्प्लॉय अलाउड है, वो पंच कर सकता है। मतलब 8 बजे तक एम्प्लॉय पंच कर सकता है, 8 से लेके 10 तक वो कभी पंच कर सकता है। लेकिन अगर 8 के पहले वो आता है और पंच करता है तो उसका पंच तो मशीन एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर में उसका रिकॉर्ड शो नहीं होगा। तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान रखिए। कभी कभी कस्टमर कंप्लेंट्स आते हैं कि एम्प्लॉय पंच कर रहा है, उसको एक्सेप्ट भी करता है मगर रिपोर्ट में दिखाता नहीं है। तो एक बार आकर ये सेटिंग चेक कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि आपका 10 का टाइमिंग है और एम्प्लॉय 9:30 बजे पंच कर रहा है और यहाँ पर आपने उतना टाइम उसको ग्रेस दिया ही नहीं है। तो इस सेटिंग को एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर पंच एंड आफ्टर, सेम जो ये सेटिंग है उसी तरह की ये सेटिंग है पंच एंड आफ्टर। बस ये सेटिंग जो है शिफ्ट खत्म होने के बाद होती है। जैसे 7 बजे आपकी शिफ्ट खत्म होती है तो 7 से लेकर और कितना लेट एम्प्लॉय को अलाउड है पंच करना। जैसे यहाँ पे 240 मिनट्स दिया हुआ है, मतलब आपके हुए 4 आवर्स, 4 घंटे अलाउड है। तो 7 से लेकर 4 घंटे, मतलब 7 से लेकर 11 बजे तक एम्प्लॉय पंच कर सकता है। लेकिन 11 बजे के बाद पंच करेगा तो फिर वही बात हो जाती है कि मशीन तो पंच ले लेगा लेकिन रिपोर्ट में आपको शो नहीं करेगा। फिर आता है आपका ग्रेस टाइम, 10 मिनट यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो ग्रेस टाइम मतलब जैसे 10 बजे का टाइमिंग है आपका शिफ्ट का, कोई 10:10 तक आता है तो मशीन और सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ लेट मार्क नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय ने 10:11 पर पंच किया तो सॉफ्टवेयर में उसको लेट मार्क दिखाने चालू कर देगा और 11 मिनट लेट दिखाएगा। अब यहाँ पर पार्शियल डे का एक ऑप्शन दिया हुआ है। कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में सैटरडे हाफ डे वगैरह होता है, मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सैटरडे हाफ डे होता है, तो आप इसको चेक कर लीजिए पार्शियल डे को। यहाँ से आप सैटरडे सिलेक्ट कर लीजिए, अब कौन सा सैटरडे उनकी हाफ डे है। अगर हर सैटरडे हाफ डे तो ऑल सिलेक्ट कीजिए, या फिर फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ है तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ है तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ को सिलेक्ट कीजिए, या सेकेंड फोर्थ है तो सेकेंड फोर्थ को सिलेक्ट कीजिए, बाकी निकाल दीजिए। जैसा जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बिगिन टाइम और एंड टाइम दिया है, तो पार्शियल डे हाफ डे का जो बिगिन टाइम है एंड टाइम है वो क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे यहाँ पर डाला हुआ है 10:00 से लेकर 16:00 तक, मतलब 4 बजे तक का टाइमिंग दिया हुआ है हाफ डे का। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, पहले तो इसको अनचेक कर देता हूँ। ये देखिए, मार्क हाफ डे व्हेन रिपोर्ट टू ऑफिस आफ्टर दिस आवर्स। तो इसमें कैसा होता है, जैसे 10 का आपका टाइमिंग है और यहाँ पर मैंने 10:30 डाला है, तो दैट मीन्स अगर 10:30 बजे के बाद कोई ऑफिस में आता है तो उसको हाफ डे कंसिडर करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 11 डाल दूंगा तो अगर 11 बजे के बाद मैं पंच करता हूँ तो मेरा हाफ डे कंसिडर हो जाएगा। 11 के पहले अगर मैं पंच करता हूँ तो लेट मार्क में काउंट हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पर मार्क हाफ डे व्हेन लीव ऑफिस बिफोर दिस आवर्स, मतलब जैसे आपका 7 बजे का ड्यूटी है तो 7 के पहले अगर मैं पंच करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, तो कितने पहले तक मुझे अलाउड है एग्जिट करना, अगर उसके पहले मैंने किया तो मेरा हाफ डे मार्क हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे 18 आवर्स दिया है, मतलब 6 बजे तक, तो 7 बजे की मेरी ड्यूटी है, मैं 6 बजे तक अगर पंच, 6 के बाद अगर पंच करता हूँ तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 6 के पहले अगर पंच करता हूँ तो मेरा वो हाफ डे कंसिडर कर लेगा। जैसे 5:30 बजे पंच करके चला गया तो हाफ डे कंसिडर कर लेगा। ये हो गया आपकी एक शिफ्ट। अब इस शिफ्ट को हम अपडेट कर देंगे, सेव कर देंगे। अब इसी तरह आप मल्टीपल शिफ्ट बना सकते हैं, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट, जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी आप शिफ्ट बना सकते हैं। एक और एग्जांपल के लिए मैं आपको एक और शिफ्ट बनाकर दिखा देता हूं। तो हमारे पास 2 शिफ्ट हो जाएगी। इस शिफ्ट का मैं नाम दे दूंगा सेकेंड शिफ्ट। इसको आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब लेट्स से इसका टाइमिंग है आपका दोपहर को 3 बजे से लेके 15 से लेकर रात को 9 बजे तक कंसिडर करते हैं 21। रेगुलर को चेक रखिए। अगेन ये सब सेटिंग आपको वापस करनी है इसमें 120, 240 और 10। ये मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। ये सेटिंग आप कस्टमर को पूछ कर उनके हिसाब से ये सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा, ओके। अब ये 2 मेरी शिफ्ट बन गई है। अब मुझे इन शिफ्ट को एम्प्लॉयज़ को असाइन करना है। तो मैन्युअली कैसे असाइन करते हैं पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। इसको हम क्लोज कर देंगे। मास्टर में एम्प्लॉय शिफ्ट, यहाँ पे अभी कोई शिफ्ट असाइन नहीं है। यहाँ पे देखिए नीचे आपको असाइन एम्प्लॉय शिफ्ट करके टैब दिखाई देगा, आपको उस टैब को क्लिक करना है। अब यहाँ पर सब पूरे एम्प्लॉय की लिस्ट आ गई है, यहाँ पर आपके ऊपर डेट आ गई है, यहाँ पर शिफ्ट आ गई है। तो मैं पहले यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लूँगा, 1st से लेके 29th। यहाँ पर मैं शिफ्ट सेलेक्ट कर लूँगा, लेट से जनरल शिफ्ट मुझे असाइन करनी है, और यहाँ से एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लूँगा, लेट से ये 1st 2nd और 4th। ये 3 एम्प्लॉय को मैं जनरल शिफ्ट असाइन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर असाइन शिफ्ट कर दूँगा, ओके। अब मैं इनको अनचेक कर दूँगा। अब मुझे देनी है सेकेंड शिफ्ट, तो लेसे एम्प्लॉय नंबर 5, 8 और 35, मैं इन तीनों को सेकेंड शिफ्ट असाइन कर रहा हूँ। ये मैं कर दूंगा असाइन शिफ्ट, ओके। यहाँ पे हो गया क्लोज। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जनरल शिफ्ट में ये 3 एम्प्लॉय है 1, 2, 4, और सेकेंड शिफ्ट में 4, 5, 8, 35। इनकी टाइमिंग क्या है, डेट जो है 1 से लेके 29 फेब तक है। अब अगर आप मैनुअल असाइन कर रहे हो शिफ्ट को, तो आपको एक और सेटिंग करनी है। एडमिन में ऑप्शन सेटिंग में आपको जाना है मास्टर में। व्हेन नो शिफ्ट कंसीडर, यहाँ पे ऑटो शिफ्ट लेकर आपको यहाँ पे प्रीवियस डे शिफ्ट डालना है और सेव कर देना है। अब इसमें होगा क्या, मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे आपने 1st से लेकर 29 फेब तक ही डाला हुआ है यहाँ पे डेट, अब 1st मार्च को अगर कोई पंच करता है तो वो उसको किस शिफ्ट में असाइन करेगा, क्योंकि आपने शिफ्ट तो असाइन की नहीं है। तो यहाँ पर हमने मास्टर एडमिन में ऑप्शन सेटिंग में जो यहाँ पर सेटिंग की है प्रीवियस डे शिफ्ट, तो जो 1st मार्च को जो अटेंडेंस लगाएगा वो 29 फेब का जो शिफ्ट है वही कंसिडर कर लेगा। इसी तरह वो आगे कंटिन्यू में वही शिफ्ट कंसिडर करेगा जो लास्ट शिफ्ट आपने असाइन करके रखी हुई है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आपने देखा है ये ऑप्शन आती है ऑटो शिफ्ट, व्हेन नो शिफ्ट इज कंसिडर असाइन ऑटो शिफ्ट। अगर मैं इसको ऑटो शिफ्ट में रखता हूँ और सेव कर देता हूँ तो होगा क्या, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी हमने यहाँ पर 2 शिफ्ट बनाई है, एक होती है शुरू 10 बजे, एक होती है 3 बजे। अब अगर मैंने वहाँ पे ऑटो शिफ्ट असाइन करके रखा हुआ है तो मुझे किसी भी एम्प्लॉय को शिफ्ट असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर जो है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा इस बेस पे कि एम्प्लॉय का जो अटेंडेंस का जो 1st पंच है वो कितने बजे हुआ है। जैसे 10 बजे की शिफ्ट है, अगर मैं 10 बजे के आसपास पंच करता हूँ तो सॉफ्टवेयर जो है मुझे जनरल शिफ्ट में लेगा, 10 की शिफ्ट में कंसिडर कर लेगा। और अगर मैं 3 बजे के आसपास पंच करता हूँ तो सॉफ्टवेयर मुझे 3 बजे की शिफ्ट में ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसमें हमको कुछ असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शिफ्ट का हो गया डिटेल्स। तो अब हम वापस आते हैं मास्टर में। यहाँ पर आप देखेंगे शिफ्ट ग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रुप बना हुआ नहीं है। तो शिफ्ट ग्रुप ये होता क्या है, लेट से आपके यहाँ पे अगर 3-4 शिफ्ट हैं और कोई भी एम्प्लॉय किसी भी शिफ्ट में आता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये एम्प्लॉय इसी शिफ्ट में आएगा। आज एक एम्प्लॉय अगर 1st शिफ्ट में आया है तो हो सकता है कल वो 2nd शिफ्ट में आए या फिर 3rd शिफ्ट में आए, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो उस केस में आपको हर रोज़ उस एम्प्लॉय की शिफ्ट चेंज करनी पड़ेगी।
तो शिफ्ट चेंज न करने की बजाय हम उसको एक शिफ्ट ग्रुप असाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शिफ्ट ग्रुप बना लेंगे, ऐड न्यू शिफ्ट ग्रुप नेम हम डाल देते हैं ग्रुप वन। शॉर्ट कोड शिफ्ट ग्रुप कोड भी वही डाल दीजिए ग्रुप वन। और यहाँ पे आपको उस ग्रुप में जितने भी शिफ्ट रखने हैं, अभी यहाँ पे मैं दो शिफ्ट रख देता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अभी इस ग्रुप वन में मेरे पास दो शिफ्ट है, तो अगर जिस भी एम्प्लॉय को मैं ये ग्रुप वन असाइन करूँगा वो एम्प्लॉय इन दोनों शिफ्ट में से किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, आपको उसको शिफ्ट असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट हर बार शिफ्ट चेंज करते रहने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करना मैं बताता हूँ आपको, इसको बंद कर देते हैं, जाएंगे मास्टर में एम्प्लॉयज़ में। लेट सपोज़ ये एक एम्प्लॉय है, तो हमें इसको शिफ्ट ग्रुप असाइन करना है, तो इसको डबल क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्ट ग्रुप करके ऑप्शन है, यहाँ पर नन है। हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप वन जो हमने बनाया था वो यहाँ पे आपको शो करेगा, उसको सिलेक्ट कर दीजिए और अपडेट कर दीजिए। तो अब ग्रुप वन में हमने दो शिफ्ट रखी हुई है और वो ग्रुप वन हमने इस एम्प्लॉय को असाइन किया हुआ, तो अब ये एम्प्लॉय उस दो शिफ्ट में से किसी भी शिफ्ट में आएगा तो आपको उसको शिफ्ट असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमने उसको ग्रुप असाइन किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर उसको कंसिडर कर लेगा आपके यहाँ। तो इसी तरह आप बाकी के एम्प्लॉयज़ को भी ग्रुप असाइन कर सकते हैं। अब हम वापस मास्टर में जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट शिफ्ट है, तो आप डिपार्टमेंट वाइज भी शिफ्ट असाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई शिफ्ट असाइन नहीं किए हुए, हमें एक शिफ्ट हम असाइन करके देखते हैं। तो असाइन डिपार्टमेंट शिफ्ट में क्लिक करेंगे, लेट्स से कम हम अकाउंट डिपार्टमेंट ही देखते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट को आपको जनरल शिफ्ट में देना है, यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे 1 मार्च से लेके आज तक मैं डाल दूंगा, ओके कर दूंगा। तब होगा क्या, नॉर्मली हम क्या करते हैं यहाँ पे मास्टर में, आप एम्प्लॉय में एक एक एम्प्लॉय को आप शिफ्ट असाइन करते हैं, उसके जगह पर यहाँ पर हम डिपार्टमेंट को ही शिफ्ट असाइन कर देते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उनको अपने आप ये जनरल शिफ्ट असाइन हो जाएगी, तो इससे थोड़ा आपका काम ईजी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कैटेगरी का ऑप्शन, ये कैटेगरी में क्या क्या फीचर्स हैं, उनको कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।